कि मैं सेना से मुक्ति कैसे पा सकता हूँ। तो उसने कहा, आर यू सीरियस मिस्टर नेहरू, आप गंभीर हैं? बोला हाँ। तो आपके आपके लिए लड़ेगा कौन? तो पुलिस लड़ेगी। और वही राहुल गांधी कहता है कि किसान लड़ेगा, लेबरर लड़ेगा और चीन को कई किलोमीटर पीछे छोड़ देगा। भगवान बचाए, बाप रे बाप। अरे ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसी सोच रखने वाला। मैडम ये तो खाली मैं सैंपल दिया हूँ, आप मुझसे इस विषय पे एक बार गुफ्तगू कीजिए, मैं घंटों बताऊँगा उसका पाप। 100 पेजेस से भी ज़्यादा है कांग्रेस का पाप। ये देश यदि आज सुपर पावर होता, यदि कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस ऐसे प्रधानमंत्री होते तो होता, लाल बहादुर शास्त्री जिंदा होते तो होता। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग देश को डसते रहे हैं वो लोग सत्ता में रहे हैं। ठीक है, ये सर आंदोलन के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? अगर मान लीजिए दीप संधू ने किसी बड़े नेता का नाम ले दिया, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का नाम ले दिया, या फिर जो इस समय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता बने हुए हैं राकेश टिकैत, इनका नाम ले दिया, तो उसके बयान का कितना रेलेवेंसी होगी, कितने गंभीरता से उसको बयान को लिया जाएगा, या फिर क्या कुछ कार्यवाही जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर हो सकती है? नाम लेने से आपको लगता है ये मान जाएंगे? ये तभी मैंने ये रेलेवेंस वाला सवाल पूछा मैडम। नाम लेने से क्या ये टिकट और कांग्रेस मान जाएगी कि मेरा हाथ है? हाँ। नहीं मानेगी। अच्छा दूसरी बात, ये साजिश क्या था 26 जनवरी को? क्यों, वाई 26 जनवरी? मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का एक तरीका था, सोच थी, स्ट्रेटजी, कंस्पिरेसी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्यों? कि मोदी जी को फोर्स करो। देखिए 26 जनवरी को पूरे विश्व का कैमरा हिंदुस्तान पे लगा रहता है जी। पूरा मीडिया, एक चीटी भी बाएं दाहिने होगा तो विश्व में बवाल शुरू हो जाता है, हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान में ये हो गया। तो ये सही, देखिए आप जब टेनिस खेलती हैं तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जो अच्छा रैकेट घुमाई तो एस जाएगा, नहीं तो नेट में बॉल जाएगा। तो ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण था 26 जनवरी। अच्छा। कि यहाँ पर मोदी जी को फोर्स करो, वो गोली चलाएं, कुछ लोग मरे और फिर चिल्लाना शुरू कर दो। वामपंथी तो तैयार थे अपने ड्राफ्ट के साथ टीवी पे आने के लिए, आप भी लोग के सामने आने के लिए, किसानों को मार दिया, किसानों को मार दिया, किसानों को मार दिया, ये नौटंकी करने के लिए तैयार थे। नौटंकी पार्टी तैयार थी, नमूना देखने को भी मिला था। हाँ, नौटंकी पार्टी तैयार थी, लेकिन मोदी जी तो चाय पी के यहाँ पहुँचे हैं, वो तो शतरंज के सब चाल जानते हैं, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है वो जानते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मुझे घेरना चाहते हो, तुम घिरो। देखिए विद इन आवर्स, घंटों के अंदर, मैं तो उस दिन 7 घंटा टीवी पे था, 26 जनवरी को कवर कर रहा था, घंटों के अंदर पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। जो वामपंथी और कांग्रेस चाहती थी कि मोदी जी के खिलाफ पूरा देश हो, पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया और उनके खिलाफ खड़ा हो गया। भाई आप एक चीज बताइए, तिरंगा को आप उठा के फेंक देंगे लाल किला में? क्या ये सहनीय है? क्या ये एक्सेप्ट करने वाली बात है? तिरंगा का अपमान, तिरंगा के लिए हम लोगों तो जान दे देते हैं, तिरंगा को हम जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। एक सैनिक गिरा, दूसरा मरते मरते उसको उठा लेता है, तीसरा उसको उठा लेता है। तिरंगा को हम जमीन पे नहीं छूने देते, उनकी माँ है, माँ को हम नहीं गिरने दे सकते हैं। अभी लोग तिरंगा को उठा के फेंक दिया। अरे लोग को अब क्या बताऊँ मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड्स आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करूँगा, बहुत कंट्रोल करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं टीवी पे हूँ। देखिए मैडम, भारत माता के साथ चीरहरण हो रहा है, ये महाभारत नंबर 2 है, ये द्रौपदी नंबर 2 सीन चल रहा है। मोदी जी, लेकिन मोदी जी को मत समझिए कि उनको सब चीज़ का ज्ञान नहीं, वो जानते हैं शतरंज का चेल, चाल, कौशन, कांग्रेस क्या खेल रही है और उसका उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने साइलेंस वॉर, मौन हथियार इस्तेमाल किया इन लोग के खिलाफ। हाँ। और ये लोग अपने ही, एक आपने सिनेमा देखा, अपने ही जाल में फंसत जात। हाँ। महमूद वाला था जो। हाँ। अपने ही जाल में लोग फंस रहे हैं और बुरी तरह फंस गए हैं, फंस नहीं रहे, फंस गए हैं, अब ये दलदल में फंस गए, हाथ पाँव जितना मारेंगे उतना नीचे जलते जाएंगे और मोदी जी बाहर से बैठ के तमाशा देखेंगे और लो मजा। ये कहानी है मैडम, तो ये शतरंज था, चाल था, सज्जन था। आपके हिसाब से इस समय दलदल में कौन कौन फंसा हुआ है, किस किस का आप नाम लेंगे जो इस समय दलदल में फंसे हुए हैं, जितनी भी वो करवट ले या फिर कुछ भी करे वो और अंदर चले जाएंगे? टिकैत। हाँ। दीप सिद्धू। हाँ। कांग्रेस। हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह। केजरीवाल। ये सब जो राजद्रोही है ना। हाँ। जाने पहचाने चेहरे जी। ये लोग कष्ट में आ रहे हैं। खालिस्तानी, कनाडा के जो वो खालिस्तानी लोग जो यहाँ फंडिंग कर रहे हैं, कई बिलियन डॉलर जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ। जिसका ईडी ट्रेस कर रही है, लिंक कर रही है जी। ये सब के साथ जवाब दो ना, पैसा काया कहा है, किस लिए आया 26 25 जनवरी? क्या ये सच नहीं है कि 26 जनवरी को दीप सिद्धू के अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है? आप लोग तो मीडिया वाली हैं,
मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पैसा आया कि नहीं आया, आप चेक कीजिए, यू प्लीज चेक, मैं तो स्टेटमेंट दे रहा हूँ। और कैलिफोर्निया का भी नाम लिया दीप सिंधु ने, तो वहाँ से भी पैसा आ रहा है। इस देश में देखिए मैडम, जयचंद मरा नहीं है, नए नए रूप में जन्म ले रहा है हिंदुस्तान में। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो पैसे के लालच में भारत माता की आबरू को नीलाम करते हैं, नीलाम करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, थूकने का मन करता है ऐसे ऐसे लोगों पे। पैसे के लिए अपना ईमान बेच दोगे? पैसे के लिए अपनी माँ को बेच दोगे? पैसे के लिए अपने बहन बेटियों का आबरू बेच दोगे? कितना पैसा दीप सिद्धू, कितना पैसा? एक्टिंग करके नहीं कमाए क्या? यहाँ लोग दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे देखो, रात को ठिठुर ठिठुर के लोग कैसे जी रहे हैं, गरीब लोग, और बिहार के भी उसमें बहुत लोग हैं। उससे ज़्यादा पैसा तुमको नहीं है, तुमको भगवान ने दो हाथ दिया है, सुंदर हाइट दिया है, कितना पैसा कमाओगे? भारत माँ को बेच रहे हो, ये संदेश है ऐसे से कमर हिलाने वाले नौटंकियों को। ठीक है सर, आखिरी सवाल पूछूंगी, आखिरी नहीं, ये सवाल पूछूंगी आपसे कि पंजाब से ही दीप सिंधु भी मिले, पंजाब से ही इकबाल सिंह, जो मैंने आपको नाम बताया जिस पर 50,000 का इनाम था, वो भी मिला। पंजाब में मिलने का कारण क्या हो सकता है सर, ये मैं जानना चाहूंगी। और पंजाब के ज़्यादातर लोग आंदोलन में भी शामिल हैं, इसका भी कारण मैं लिंक समझना चाहूंगी सर आपसे। खालिस्तानी एंगल, भिंडरावाला का डिसाइपल होने का एंगल, दीप सिद्धू भिंडरावाला को कोट करता है ना, कांग्रेस सरकार पंजाब में होने का कारण जी। जो जो लोग राजद्रोही हैं, कांग्रेस जहां जहां सत्ता में है उनको प्रोटेक्शन देती है। मैं एक दो नाम मुंह पे आ रहा है लेकिन लूंगा नहीं, ले लीजिए सर। ना ना छोड़ो ना, नहीं नहीं मैडम रहने दो, बवाल हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, बवाल हो जाएगा। ऐसा है कि अभी प्रियंका को देखिए, वो जो ट्रैक्टर से कुचला गया, मर गया, एक्सीडेंट था, उनके गांव चला गया। जो सैन्य जो सिपाही मरे उनके गांव पे नहीं किया, उनके परिवार के पास नहीं, ये क्या है मैडम? मतलब इसका मतलब है कि आप राजद्रोहियों को सपोर्ट करती हैं जो एक्चुअल देश में के लिए, माँ भारत के सेवा के लिए तत्पर हैं, कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट नहीं करते, उनका आपको ध्यान नहीं है, ये सब क्या है? और चक्कर यह है कि देश इन लोगों को टॉलरेट कर रहा मैडम। मुझे तो यही ताज्जुब लगता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है कि इनको वोट कैसे देता है लोग? ये राजद्रोहियों को वोट देते हैं, लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, ये क्वालिटी है। मोदी जी ने कहा ना कि परिवारवाद जो है वो बहुत लो कैलिबर के लीडरशिप को जन्म देता है, कहा था ना कुछ दिन पहले जी। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा वक्तव्य, और प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, देश का क्या छवि होगा यदि ऐसे ऐसे लोग बाहर जाके कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड किए? तो हम तो लगता है बाल्टी में नाक डूबो के मर जाने की स्थिति में पहुँच जाएंगे। बहुत ही आपको शर्म आएगी अपने आपको भारतीय कहने में, भारतीय कहने में शर्म नहीं, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो भारतीय कहने में शर्म नहीं आएगी, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री को देखने में शर्म आएगी। भारत माता के लिए हम क्या शर्म करेंगे, भारत मेरी माँ है, प्रधानमंत्री के लिए सॉरी, एकदम 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 शर्म आएगी, एकदम शर्म आएगी। वो लांस कॉर्पोरल नहीं बन सकते सेना में, वो प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। चलिए सर आखिरी सवाल पूछती हूँ और इस वीडियो का अंत में करूंगी, क्या लगता है सर आंदोलन अब कितने समय तक, आखिरी समय आ चुका है अब आंदोलन का? देखिए मैडम, प्रकृति में हर एक चीज़ की जिंदगी परिभाषित होती है, सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह होता है। परमानेंटली तो सुबह नहीं रहता है ना, आंदोलन परमानेंटली रहेगा। सीए के खिलाफ आंदोलन हुआ ठहरा, 1857 का विद्रोह ठहरा, हिटलर का राज ठहरा, नहीं, हर एक चीज़ का लाइफ डिफाइंड है, लाइफ ख़त्म, इवेंट ख़त्म, लेकिन लाइफ ख़त्म एक्चुअली नहीं हो रहा है। क्यों? अभी मोदी जी ने तो बहुत और कानून लाने हैं, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सब पैसा अभी मत फूक दो, अभी तो बहुत भी लाने हैं, तो बहुत विद्रोह करना पड़ेगा, बहुत बार रोड पे बैठना पड़ेगा, सब पैसा अभी खर्च मत करो। एक कानून बताइए जो मोदी जी ने गलत लाया है, जो राष्ट्रहित में नहीं है, टेल मी, एज ए आर्मी मैन तो मैं फील करता हूँ 100% 100 out of 100 टू मोदी जी सही एकदम बना रहे हैं, 100 out of 100, 99.9 नहीं, 100 out of 100, ये कहानी है। देखिए मैडम, ये देश सब कुछ था, सनातन धर्म था, इतने स्ट्रांग थे,
अभी हम पढ़ रहे थे कि रेडियो टेलीफोनी मार्कोनी ने नहीं बनाया, जेसी बोस का काम किया हुआ है, उनके नोट्स को कॉपी करके बनाया, सब जगह हम लोग किए और क्रेडिट अभी देश ले रहा है। ये देश बहुत ही प्रभावी शक्तिशाली देश था, ज्ञान का भंडार था, लोग बोलते हैं दूध की नदियाँ बहती थी, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। लो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप के लिए, लो क्वालिटी। यदि मुझे लगता है कि जो यहाँ देश का नेतृत्व पॉलिटिकल सिस्टम, उसको सफाई करने की जरूरत है, क्लींस करने की जरूरत है। क्या ये आप क्यों नहीं सेना में कानून क्यों नहीं बना देती कि जनरल का बेटा जनरल बनेगा, मैं जनरल हूँ मेरा बेटा को जनरल बना दो, क्यों नहीं बनाते? नहीं बना सकते, क्योंकि बुद्धि चाहिए, काबिलियत चाहिए। जनरल तो बन गया, हो सकता है उसके बेटे के पास काबिलियत तो हो, तो इस देश में तो वो चलता नहीं है। मोदी छोड़ के आप बताइए सब पॉलिटिकल पार्टी का क्या हालत है, सब डायनेस्टी चल रहा है, डायनेस्टी, राजा उसके बाद प्रिंस, फिर वो राजा बना फिर उसका प्रिंस, चलते रहो, चलते काबिलियत हो या ना हो, आलू से सोना बनाते रहो नो प्रॉब्लम, और दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहो नो प्रॉब्लम, और दुनिया बेवकूफ़ बनती जा रही है, बन रही है, ये प्रॉब्लम है हिंदुस्तान का, ये समस्या है मैडम। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, धन्यवाद।